शंकर हमारे मन की मनोकामना जल्दी सुने। शंकर भगवान हमारी मनवांछित फल की कामना पूर्ण करे। वो कौन सी जगह, कौन सा स्थान, किस जगह पर, किस दिशा में हम शंकर को एक लोटा पानी चढ़ा दें या कोई वस्तु भी हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा में बैठकर करना चाहिए कि जहां बैठकर शिव हमारे मन की बात स्वीकार कर। और ये बात आपको पहले भी कथा में कई बार आपने टीवी के माध्यम से सुना होगा, शंकर को ना पूर्व से मतलब है ना पश्चिम से मतलब है। शंकर के लिए दक्षिण में बैठिए और उत्तर का मुख कर कर जो आप शंकर को चढ़ाएंगे शंकर उसे स्वीकार करेगा और आपकी मनवांछित कामना पूर्ण हो जाए। आपकी मनोकामना मनसा महान देव पूर्ण कर देगा। बस आपका चित्त वृत्ति, आप जहां बैठ रहे हो वहां शंकर भगवान के शिवलिंग में जहां जलाधारी होती है वो उत्तर का भाग होता है। जलाधारी कहां गई है? उत्तर की ओर गई है। तो आपको बैठना कहां है? जम के बोलो, दक्षिण में बैठना है। पर आप बैठते कहां हो? जहां जलाधारी बहकर जा रही है, इधर जलाधारी बह रही है, इधर शिवलिंग है, तो तुम यहां बैठोगे जहां से जलाधारी अपने राइट हैंड की ओर जा रही है। ऐसा नहीं, अगर जलाधारी इधर जा रही है तो आपको इधर बैठकर पूजन करना है। जलाधारी की भाग की बिल्कुल सामने बैठ जाओ, इधर भाग, जलाधारी जल उधर जाएगा, उत्तर की ओर तुम्हारा मुखाग्रबिंद होना चाहिए। और जब उत्तर की ओर मुखाग्रबिंद करता है, क्यों? क्योंकि पूजन में हम गलती करते हैं। पूजन आप अच्छी करते हो, दिया भी लगाते हो, अगरबत्ती भी लगाते हो, धूप बत्ती भी लगाते हो, पानी भी चढ़ाते हो, बेलपत्र भी चढ़ाते हो, सब अच्छा काम करते हो, उसके बाद भी आप कहते हो कि भगवान हमारी नहीं सुनता। तो नहीं सुनता उसका कारण क्या है? मतलब खाना खाना था, चाय पीना था मुख से, और चाय डाल ली। अरे बोलो तो जम के, कानून तो बताओ असर करेगी चाय? अरे बोलो तो जरा, नहीं कोई कानों में चाय डाल ले और स्वाद भी बताए, बहुत जोरदार, अच्छी अदरक अच्छी जा रही है और दमदारी से, तो कोई स्वाद आएगा कानों में? जो स्वाद नहीं आ सकता, आपने भले चाय डाल ली हो कानों